भगवान बुद्ध की दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जिसको सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तप में लगे थे। उन्होंने शरीर को काफी कष्ट दिया, यात्राएं की, घने जंगलों में कठिन साधना की, पर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। निराश हो बुद्ध सोचने लगे, मैंने अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं किया, अब आगे क्या कर पाऊंगा। निराशा, अविश्वास के इन नकारात्मक भावों ने उन्हें शुद्ध कर दिया। कुछ ही क्षणों के बाद उन्हें प्यास लगी। वे थोड़ी दूर स्थित एक झील के पास पहुंचे। वहां उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक नन्ही सी गिलहरी के दो बच्चे झील में डूब गए। पहले तो वह गिलहरी जड़वत बैठी रही, फिर कुछ देर बाद उठकर झील के पास गई, अपना सारा शरीर झील के पानी में भिगोया और फिर बाहर आकर पानी झाड़ने लगी। ऐसा वह बार बार करने लगे। बुद्ध सोचने लगे कि इस गिलहरी का प्रयास कितना मूर्खतापूर्ण है, क्या कभी यह इस झील का पानी सुखा सकेगी। किंतु गिलहरी का यह क्रम लगातार जारी रहा। बुद्ध को लगा मानो गिलहरी कह रही हो कि यह झील कभी खाली होगी या नहीं, यह तो मैं नहीं जानती, किंतु मैं अपने प्रयास को छोड़ूंगी नहीं। अतः उस छोटी सी गिलहरी ने भगवान बुद्ध को अपने लक्ष्य मार्ग से विचलित होने से बचा लिया। वे सोचने लगे कि जब यह नन्ही सी गिलहरी अपने लघु सामर्थ्य से झील को सुखा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है, तो मुझ में क्या कमी है, मैं तो इससे हजार गुना अधिक क्षमता रखता हूं। यह सोचकर गौतम बुद्ध पुनः अपने साधना में लग गए और एक दिन बोधि वृक्ष तले उन्हें ज्ञान का आलोक प्राप्त हुआ। यह कथा असफलता के बावजूद प्रयासों की निरंतरता पर बल देती है। दोस्तों, यदि हम प्रयास करना नहीं छोड़ेंगे तो एक न एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति तो होगी ही होगी। हम कोई भी काम करने जाएंगे उसमें असफलता तो हमें मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन हमारा काम उस असफलता से सीखना, उसको अपने कार्य में आगे इस्तेमाल करना और जिंदगी में आगे बढ़ना ही है। अगर आप आज हार कर बैठ जाएंगे तो यकीन करें आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप जितने भी लोगों को देखते हैं जिन्होंने सफलता की सीढ़ी प्राप्त की है दोस्तों, उनका बस एक ही लक्ष्य था, बस मेहनत करना है और प्रयासों को लगातार करते रहना है, पेशेंस रखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मेहनत तो दोस्तों करनी ही पड़ेगी। ऐसी अगली कहानी भी बहुत प्यारी है, लेकिन एक कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अगली कहानी का शीर्षक है बुद्ध से यक्ष ने माफी मांगी। बुद्ध अपने साधना काल में एक निर्जन स्थान पर ध्यान मग्न बैठे थे। इस स्थान पर एक यक्ष का वास था। वह बात बुद्ध को ज्ञात नहीं थी। वे तो वहां पहुंचे और शांत वातावरण देखकर ध्यान मग्न हो गए। उस समय यक्ष वहां पर नहीं था। रात होने पर जब वह आया तो उस स्थान पर एक अनजान व्यक्ति को देखकर आग बबूला हो गया। बड़े जोर से वह दहाड़ा, किंतु बुद्ध का ध्यान भंग नहीं हुआ। यक्ष ने उन्हें हाथी का रूप धारण कर डराना चाहा, किंतु बुद्ध यथावत ध्यान मग्न बैठे रहे। उसने बुद्ध को डराने के लिए क्रमशः शेर, चीता, बाघ आदि का रूप धारण किया, किंतु बुद्ध अविचलित ही बने रहे। अंत में उसने भयंकर विषधर का रूप धारण कर उनके पैरों के अंगूठे को डस लिया, किंतु बुद्ध पर इसके विष का कोई असर न हुआ। वे अब भी प्रभावित ही रहे। विषधर उनके शरीर पर चढ़ गया और उनके गले से लिपटकर उन्हें जोरों से काट लिया। लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद भी बुद्ध की साधना को भंग नहीं कर पाया। थक हार कर नीचे उतर आया और उनसे कुछ कदमों की दूरी पर लेटकर अपनी थकान उतारने लगा। ध्यान पूर्ण होने पर बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और उसे बहुत स्नेह से दुलारा। उनका निश्चल प्रेम देखकर सर्व का विष अमृत बन गया और यक्ष ने श्रद्धापूर्वक बुद्ध को नमन किया। दोस्तों, कहानी का सार यह है कि मन की कलुषता पर एकाग्रता, स्नेह और संभाव से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि बुद्ध से आज भी लोग वहां पर परिचित नहीं है। वीडियो दिखाइए और आपका काम है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।